साहस सरोकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन, सैकड़ों समर्थकों के साथ केरल की सड़कों पर दिखे राहुल गांधी। आज से 11 दिवसीय अमेरिका दौरा शुरू करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएनजीए सत्र समेत कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा, महिला आयोग भी पहुंची। देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश जारी, यूपी उत्तराखंड में येलो अलर्ट। देश में 24 घंटे में कम हुए कोरोना के केस, 5664 नए मामले मिले, 3 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद गंभीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा राज्य मंत्री मयंकेश्वर सरल सिंह थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान के सफलता की कामना करने के साथ ही कहा कि बीते 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश में पोलियो से संबंधित कोई मामला देखने को नहीं मिला है, ये तो स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता की नई कहानी कहता है। विगत 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पोलियो से संबंधित मामला देखने को नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जागरूकता और भारत की सफलता की एक नई कहानी कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ जीते हुए 135 करोड़ लोग इस संक्रामक बीमारी से मुक्त हुए हैं, लेकिन संक्रामकता होने के नाते यह बीमारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो सकती है। इस दिश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे ऐसे देश बचे हैं जहां पर अभी भी उस पर लोगों ने नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उसके परिणाम स्वरूप इस सतर्कता के लिए प्रतिवर्ष पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान शासन के स्तर पर संचालित हो रहा है। यूपी के मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का शुभारंभ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए यूपी पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में सीएम बोली, यूपी में कानून का राज है और यूपी कानून व्यवस्था बेहतर है। मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिश से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना
की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का, प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां एक पक्ष के लड़कियों को विशेष समुदाय के कुछ लड़कों ने मारा पीटा, जिससे लड़के को काफी चोटें आई। और जब ये खबर हैदराबाद के बड़ी संगत के महंत बाबा बजरंग मुनि को मिली, तो वह तुरंत जिला अस्पताल पहुंचकर शहर कोतवाल तेज प्रकाश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। सदर क्षेत्राधिकारी एवं सदर SDM को स्वयं बाबा को मनाने जिला अस्पताल पहुंचना पड़ा। बाबा बजरंग मुनि ने कहा है कि शहर कोतवाल ने पीड़ित लड़के के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने शहर कोतवाली पर विशेष समुदाय से पैसे के लेन देन का सीधा सीधा आरोप लगाया है। मदरसों का कायाकल्प करने और बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर के तिवारी इलाके में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में गैर मान्यता प्राप्त कई मदरसों का सर्वे किया गया। जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई करनी है और इन मदरसों को मान्यता देना है कि नहीं, ये शासन के स्तर पर तय किया जाएगा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लगातार बारिश से मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी घर में घुस गया है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। साथ ही लगातार पानी बारिश होने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी डूब गई, जिसको लेकर तहसीलदार भीमचंद्र ने लेखपाल व कानूनगियों के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर उच्च अधिकारियों को बाढ़ स्थिति से अवगत कराया है। खबर गोरखपुर से है, जहां पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से चली गोलियों में एक तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान के रूप में हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फरार हुए बदमाश की तलाश में दबिश दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में अपराधियों के रोकथाम के लिए आज चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान मोहरीपुर तिराहे पर थाना चिलुआताल व स्वाट टीम के प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। वहीं पर एक अपाचे मोटरसाइकिल पे तीन व्यक्ति सवार आए और रोकने पर गाड़ी लेकर भागे। उन्हीं का पीछा करते हुए ये लोग रामपुर चक बंधे तक गए। वहाँ अचानक उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस के गिर गई, जिससे एक अपराधी रुका रहा, बाकी दो अपराधी भाग गए। सुल्तानपुर में सूचना विभाग की बिल्डिंग के जर्जर होने से कर्मचारी चोटिल हो गया। आपको बता दें कि सूचना विभाग की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से छत से पानी टपक रहा है, जिसके बावजूद कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर हैं। बिल्डिंग की जर्जरता का मामला कई बार आला अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गए थे बाथरूम में, बाथरूम से निकले, उधर से आ रहे थे, मेरी बाइक भी खड़ी थी, दो लोग की बाइक खड़ी थी, हमारी वाहन चालक की बाइक खड़ी थी, हमारी बाइक खड़ी थी। उसके बाद उधर से आने लगे, भरभरा के पलस्तर गिर पड़ा, ये मेरे पैर में भी लगा। फिर उसके बाद जो मैं ऊपर आ रहा था तो ऊपर मेरे बच गया, लेकिन वहाँ भरभरा गिर चुका था पलस्तर पूरा। सर जी बहुत डर लगता है, अपन क्या करें, हम वाहन चालक हैं, हम कार्यालय के अंदर नहीं जाते, हमारी सीट यहाँ पे लगी हुई है। हम जब भी अधिकारी को लेके आते हैं या जब सुबह आते हैं ड्यूटी पे, तो यहीं सीट पे बैठे रहते हैं सर। और कई बार डर लगा रहता है कि हम बैठे क्या करें, पर हमारे पास कोई जगह है नहीं। एक दिन हम ऐसे बैठे थे और यहाँ से भरभरा के पंखा गिर पड़ा, और यहाँ की जो ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्लास्टर है ये हमारे पैर पे गिर गया था। तो इसकी सूचना आपने कभी किसी को? सर जी बहुत बार हमने अपने अधिकारी को भी इसकी सूचना दी है और अधिकारी ने लेटर भी लिखा है, सब कुछ किया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लखनऊ के थाना गोइसगंज और DCP दक्षिणी सर्विस लान सेल की संयुक्त पुलिस टीम ने रजन हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। आपको बता दें कि हत्या में शामिल दो शातिर हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। 13 सितंबर को रजन रावत, जो कि सिंदर का रहने वाला था, थाना गोसाईगंज का, उम्र उसकी 35 साल के लगभग थी,
इसकी हत्या हुई थी। इस संबंध में थाना गोसाईगंज पर हत्या का अभियोग 302 धारा में पंजीकृत किया गया था। जो तहरीर मिली थी उस तहरीर में एक छोटू नाम के लड़का जो कि उसका पारिवारिक ही था उस पर संदेह किया गया था उसकी पत्नी के द्वारा, ये उसने हत्या की है। बुलंदशहर के थाना डिबाई में चेकिंग के दौरान पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक छात्र बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी छात्र मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। वहीं मुठभेड़ में एक आरक्षक भी घायल हो गया जिसका इलाज जारी है। छात्र बदमाश के कब्जे में अवैध असलहे समेत चोरी की बाइक भी बरामद हुई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश 50,000 का इनामी बदमाश है। महाराजगंज के ठूठी बारी कोतवाली पुलिस आए दिन सुर्खियों में रहती है। इसी क्रम में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि गांव के एक युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने धन उगाही कर वीडियो डिलीट करा दी, जिस पर महिला ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। गुंजीस और सलमान और टुनटुन ये लोगन देखे हैं, लोगन हमको नहीं बता रहे हैं, लोगन बोले हैं लोगन हम कहीं देखे नहीं बताएंगे या तुम झगड़ा करोगी, कहीं तेरे से दरख्वास्त दिए हैं, पकड़ के गए हैं लोगन, पकड़ के गए हैं लोगन तो लोगन हमारा सुनवाई नहीं हुआ है, पैसा वैसा लेकर घूस लेकर छोड़ दिए हैं लोग। लखीमपुर में लगातार बारिश से मोहाना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार बढ़े जलस्तर से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश के होने से किसान की सैकड़ों एकड़ की फसल बाढ़ में डूब गई, जिस पर तहसीलदार ने लेखपाल और कानूनगो के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर उच्च अधिकारियों को गाँव की स्थितियों से अवगत कराया। गाजियाबाद के थाना खोड़ा इलाके में एक 16 वर्षीय युवती ने मनचले युवक और उसके परिजनों से तंग आकर फांसी लगा ली। सूचना पर परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को एक युवक और उसके परिजन काफी समय से परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती की आत्महत्या से पहले युवक ने पीड़िता के पति पिता को धमकी भरे मैसेज किए थे। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर लिए, मामले की जाँच जारी है। मामला ये था कि मेरी बच्ची को सचिन शर्मा और अतुल उसका जीजा और सिपुल ये सब सारे परेशान करते थे मेरी बच्ची को। ये मेरे घर पर आए एक बार, मेरी गली में घूमते रहते थे ये, और ये बोलते थे कि जब मेरी लड़की ये बात इनसे नहीं करती थी तब वो सचिन और मेरी लड़की को परेशान कर रहा था बहुत। जब मेरी लड़की ने मना कर दिया तो धमकी देने लगे ये, एक घर पर भी आए गली में घूमते रहते हैं, हाथापाई इनके मेरे पति के साथ इन्होंने सब कुछ की। मगर मेरे पति ने फिर सोचा कि हम यहाँ से लेकर बच्चों को नोएडा जाएंगे, नोएडा में आकर फिर ये मेरे बच्ची को फिर परेशान सचिन शर्मा फिर परेशान करने लगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।